हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अचानक से आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी आपकी लाइफ में, किसी भी एरिया में आपको सडनली क्या खुशखबरी मिल सकती है हम ये जानेंगे। सडन सरप्राइजेज एंड सडन गुड न्यूज़ क्या हो सकती है हम ये जानेंगे। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, ओके? जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, वेल, अचानक से क्या खुशखबरी मिलेगी आपको। ओके, क्या बात है, मैजिशियन का कार्ड आ गया। एम्परर, सो ओके, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है व्यूअर्स, कि आप लोग बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं। सबसे पहली चीज़, यू गाइज आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। जो आप चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू गेट इट, बाय हुक और बाय क्रुक। हाउएवर, तो ऐसा लगता है कि मेहनत करके पाना या कुछ और तरीके से पाने की कोशिश करना और मैनिफेस्ट करना, यू आर गुड इन ऑल द एरियाज, आप सब में अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे आप मैनिफेस्टर हैं। मेहनत करके आप पाते हैं चीज़ों को और मेहनत करके ही पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी रियलिटी क्रिएट करना जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर है। ये कहीं ना कहीं सब लोगों के अंदर होती है, लेकिन लोग उतने अवेयर नहीं होते उस पावर को लेकर, और अवेयर नहीं होते इसीलिए वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते अच्छे से। बट हेयर आई कैन सी दैट यू हैव दैट मैनिफेस्टेशन पावर एंड यू नो इट एंड यू नो हाउ टू यूज़ इट। आपको पता है आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कैसे करना है और कैसे हो जाएगा वो, लाइक यू नो इट ऑल। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन सरप्राइजेज और ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कुछ आप जो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, फॉर सम पीपल, चाहे वो अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, चाहे वो सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर में कोई सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी और तरीके का रिजल्ट, किसी और तरीके का आउटकम, या किसी फाइनेंशियल बातों को लेकर या प्यार की बातों को लेकर अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सडनली पूरा होगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी एनर्जी में रहिए, उसी डायरेक्शन में चलते रहिए, यू आर गोइंग गुड, और आपको वहीं से सडनली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती हुई आपको दिखेगी। अब आप जानते हैं, वो खुद आपका मन जानता होगा कि आपने क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैनिफेस्ट अलग अलग लोगों ने किया होगा। तो वो जब आपके सामने वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तो आपको भी लगेगा कि वाह, ये तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत खुशी होगी आपको उस बात की। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपका कोई प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा और वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इस तरह से सक्सेसफुल होगा, इस तरह से आपका प्लान सक्सेसफुल होगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो क्या प्लान है, फाइनेंशियल कोई प्लान है, शादी का कोई प्लान है, प्यार के लिए, अपने लव लाइफ के लिए कुछ प्लानिंग की थी आपने, या अपने फिटनेस के लिए, या अपने जॉब के लिए, करियर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, किसी आर्टिस्टिक फील्ड के लिए, जो भी कुछ आपने प्लान करके आप कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसमें भी सडन चेंज मिलेगा आपको और वो सडन सरप्राइज होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी आ सकती है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपको दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, वही इंसान आपके पास लौट कर आएगा। जिसने आपको घमंड दिखाया है वही इंसान लौट कर आपके पास आएगा। हो सकता है अपोलोजाइज करे, हो सकता है अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करे, हो सकता है आपसे कुछ कम्युनिकेट करे, बट दिस पर्सन विल कम बैक हु हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है या बहुत ईगो एटीट्यूड दिखाया है या बहुत ईगो में रहा है वो व्यक्ति, और आपके एफर्ट्स को या आपको नहीं समझा उसने, तो अब सडन रियलाइजेशन उनको भी होगा और वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है या बात करने आ सकता है अपना घमंड तोड़ के। उनका घमंड तो टूटेगा ही और वो आपके पास आएंगे भी या आएंगी, और हो सकता है ये भी आपने मैनिफेस्ट कर लिया हो। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में से आपके ऊपर से एक बर्डन रिलीज होने वाला है। किसी चीज़ का भार, किसी चीज़ का टेंशन, किसी चीज़ का बर्डन आपके लाइफ से हटने वाला है। ऐसा लगता है बहुत एक इमोशनल बर्डन था, फाइनेंशियल था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लव लाइफ में था कुछ बर्डन, बट देर वॉज बर्डन जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनली हैवी और यू नो सफोकेटेड फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे। कुछ ऐसा बर्डन था आपकी लाइफ में। अब वो बर्डन भी आपकी लाइफ से इजीली, आप खुश इस बात से होंगे कि वो बर्डन आपकी लाइफ से इजीली रिलीज हो जाएगा। जैसे कोई बोझा, कोई वजन सर पे रख के चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और पता नहीं चला अचानक कब वो हाथ से गायब हो गया या कब हमारे सर से खिसक के गिर गया। तो ऐसे ही आपकी लाइफ से सडनली और बहुत स्मूथली बर्डन रिलीज हो जाएगा। अब वो किस फॉर्म में होगा, क्या ऐसा चेंज आएगा, क्या ऐसे यू नो इंसिडेंट्स होंगे जिस वजह से आपका बर्डन एकदम से आपकी लाइफ से चला जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग जो अपने फाइनेंसेस पर बहुत मेहनत कर रहे थे, अपने रिश्तों पर, अपनी हेल्थ पर बहुत मेहनत कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वेट उन्होंने किया, उन्होंने जो टाइम दिया है, वेट करना, टाइम देना, टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, जितना भी इंतज़ार किया है, मेहनत की है और पेशेंस रखा है, अब वो किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे मैंने उम्मीद की थी कि मुझे 8 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे 10 मिल गए, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ आपके फाइनेंसेस में भी हो सकता है कि आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कहीं से कोई ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं से रुके हुए पैसे भी लौट कर आ सकते हैं, कहीं से फाइनेंशियल ऐसा गेन हो सकता है आपको, या फाइनेंशियल गेन के रास्ते आपको ज़्यादा दिखेंगे, ऐसा हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके लाइफ में जो आपने मेहनत की है और पेशेंस रखा है उसका रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि थोड़ा आप एनिमल्स को लेकर ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा अफेक्शनेट और ज़्यादा कहीं ना कहीं काइंड रहिएगा। इट विल बी गुड फॉर यू। आप जितना जानवरों को अच्छे से पोलाइटली ट्रीट करेंगे उतना ही अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कोई पेट लेकर आइए अगर आपके पास पेट नहीं है तो। मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ भी जो भी आपको जानवर दिखते हैं उनको सताइए मत, और हो सकता है तो उनकी हेल्प कर दीजिए, पानी पिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, उनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए बस, और उनके साथ थोड़ा अच्छे से रहिए। ओके, उनको मैंने कई लोगों को देखा है, कुत्ता अगर बैठा होता है कुछ बोलता भी नहीं है तो भी उसको कंकड़ या उसको डंडे से मार के जाते हैं, या नहीं मारते हैं तो पैर से मार के जाते हैं। दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड। तो ये सब नहीं करना है। एनिमल्स को गलती से भी दुख तकलीफ मत दीजिएगा। ये सारी मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ बैकवर्ड्स हो जाएगा। एनिमल्स को तो मैंने मेंशन कर ही दिया है, इसका मतलब ये नहीं बाकी लोगों को आप हर्ट कर सकते हैं या तकलीफ देंगे, नहीं। बस एनिमल्स का मुझे मेजरली यहाँ पर दिख रहा है टेक केयर ऑफ दैट थिंग, क्योंकि हो सकता है गलती से कुछ आप ऐसा करें या गुस्से में कर दें या समझे ना और कर दें। ध्यान रखिएगा थोड़ा। कभी कभी हम
अपने आसपास में जो लाइफ है उसको लेकर ज़्यादा ही केयरलेस हो जाते हैं। तो टेक केयर, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जानवरों के प्रति आपसे अपराध ना हो। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपके लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे मूवमेंट कहीं जाना पड़ेगा और वो प्लान भी सडन बनेगा या इनविटेशन भी सडन आएगा या जाने की जो ज़रूरत है वो भी अचानक पड़ेगी और वो ट्रैवल बेस्ट ट्रैवल होगा, वो ट्रैवल मेमोरेबल ट्रैवल हो ट्रैवल होगा, प्रीशियस होगा, वंडरफुल होगा। तो अचानक से कहीं जाने का प्लान बन सकता है, लेकिन बहुत दिन के लिए नहीं, बहुत कम समय के लिए ही, लेकिन वो बहुत अच्छे आपके अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका, जिसमें शायद आपको कुछ ऐसे नए दोस्त मिलेंगे, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके, या कुछ ऐसे लोगों से आपको बात करने को मिलेगा जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा और कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर से शांति भी मिले, मन की शांति। तो वो हो सकता है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आप जा सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। और मैंने पहले ही बोल दी ये चीज़ तो, कि मैनिफेस्ट आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। दैट्स ब्यूटिफुल। येलो इज गुड फॉर यू, येलो कलर आपके लिए अच्छा है। बी नाइस विद एनिमल्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, ओके, ये मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ। बी नाइस विद एनिमल्स। एंड डू नॉट टॉक अबाउट योर प्लान्स टू एनी बडी और टू एनी वन। ऐसा लगता है यहाँ पे कि अपने प्लान्स और अपनी मैनिफेस्टेशंस, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन की और छोटी सी मैनिफेस्टेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई, तो आपने सबको बताया, फिर आपने सबको ये बताया कि अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपका कोई प्लान आपने बनाया हुआ है वो प्लान आपने सबको बता दिया, या कहीं ट्रैवल करने वाले हैं उस वो प्लान बताया सबको, या कुछ तो ऐसा है जो आप सबको बता दें। तो कौन कौन सी विशेस आपने मांगी हैं, कौन कौन सी पूरी हो रही हैं, कौन कौन से पूरी होने का वेट कर रहे हो आप, ये सब अब आप नहीं बताओ दूसरों को। ओके, डू नॉट से दिस थिंग टू अदर पीपल। आप तो खुश होके बताओगे एक्साइटमेंट से, पर कौन जेलस हो रहा है और कौन जेलस नहीं हो रहा, कौन आपका वेलविशर है, आप नहीं समझ पाओगे। उनकी जेलसी आपकी मैनिफेस्टेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, यानी एनर्जेटिकली आपको रोकेंगे नहीं मैनिफेस्ट करने से, लेकिन जेलस होते रहेंगे अंदर ही अंदर, चिढ़ते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, एनर्जी पर आपकी इफेक्ट होगा, और आपकी एनर्जी जैसे ही डिसबैलेंस है, थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी, आपका जो राइट डायरेक्शन में मैनिफेस्टेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी फ्लक्चुएट करेगा, वो भी अफेक्ट होगा। इसीलिए जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ भी एफर्ट्स ले रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, जो भी हो रहा है वो भी अंदर ही रखिए अपने। ट्राई टू बिकम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, बहुत प्राइवेट पर्सन बन के रहिए। द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ नोइंग ऑल अबाउट यू, ठीक है, दुनिया इतना डिजर्व नहीं करती कि आप उसे अपने बारे में सब बताएं। तो बहुत ओवर शेयर ना करें, बात करते करते आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना शेयर किया, फिर बाद में बातें खत्म हो जाएंगी, तब आपको लगेगा ये वाली बात क्यों बता दी, ये इनके सामने कैसे निकल गया मेरे मुंह से। तो ये सब बातों का आपको ही ध्यान रखना है। ओके, न्यू विजन, ब्यूटिफुल। तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आगे के लिए, मैंने कहा ना कि आगे के प्लान्स, आगे के गोल्स, आगे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे कैसा करियर होगा, तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में ना व्यूअर्स बहुत ही जल्दी आप न्यू विजन क्रिएट करेंगे कि अब और आगे आपको क्या करना है, अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पर, किस सिचुएशन में, किस लेवल पे, कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं और किस फील्ड में। तो वो आप एक न्यू विजन क्रिएट करने वाले हैं अपने लिए, नए गोल्स सेट करेंगे, न्यू टारगेट्स सेट करेंगे, न्यू विजन होगा आपका। तो मुझे लगता है आप नया विजन सेट करने वाले हैं अपने लिए, क्योंकि पुराना बर्डन भी रिलीज हो रहा है यहाँ पे।
आई नीड वन कार अगेन आई नीड वन नॉट टू ओके यस सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंप्लिसिटी देखिए सिंप्लिसिटी जो है वो आपकी ओरिजिनल फॉर्म है जितना ऑर्डिनरी साधारण बन के रहते हैं उतना ही कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती और मन जो है वो भी शांत रहता है जब हर चीज़ के लिए ना क्रेव करते हैं डेस्परेट हो जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन तो हो ही नहीं पाता साथ ही साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों में जो सुकून मिल रहा था वो नहीं मिल पाता तो बी ऑर्डिनरी आप कहिए मैं तो हूँ साधारण सिंपल आम बिल्कुल सरल ऐसे ही ऑर्डिनरी बन के रहिए आपकी लाइफ में ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे और ये सारे मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं पूरे हो पाएंगे लेकिन आप ना ज़्यादा क्या कहते हैं हवा में मत उड़ना ज़्यादा झाड़ पे नहीं चढ़ने का कि देखो मेरा ये पूरा हो गया सपना मेरा वो हो गया अब तब देखो मैं क्या क्या करता हूँ लाइफ में कहाँ पहुँचता हूँ ये सब दिमाग से हटा दीजिएगा और कहीं भी पहुँच जाएँ सिंप्लिसिटी को और ऑर्डिनरीनेस को मत छोड़ेगा कि हमेशा ऑर्डिनरी बन के रहने का भी मज़ा है चाहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं बट इंटरनली आप एक ऑर्डिनरी इंसान ही हैं ओके तो अभी आप जो हैं आपकी लाइफ में आपके साथ कम चीज़ें अटैच हैं आपसे जैसे कि घर एक अटैच है गाड़ी एक अटैच है आपके साथ अटैच यानी आपकी लाइफ में और कल को अगर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अटैच हो गई कि बहुत सारे घर बहुत सारी गाड़ियाँ तो भी आप तो एक ही है ना आपके साथ कितनी चीज़ें अटैच हैं कितनी नहीं है उसके साथ अपनी वैल्यू बढ़ाइए और घटाइए मत ठीक है आप तो अकेले ही है ना आपके साथ कुछ अटैच होने का मतलब ये नहीं है कि सच में वो चिपक गया आपसे तो फिर घमंड कैसा और फिर हवा में कैसा उड़ना इसीलिए ऑर्डिनरी रहिएगा ये ऑर्डिनरीनेस आपको हेल्प करेगी और आगे बढ़ने में And I'm not joking. क्योंकि एम्परर का कार्ड है सडनली एक हायर पोजिशन पर पहुँचने के चांसेस हैं सडनली आपको एक ज़्यादा रिकोगनीशन मिल सकती है क्रेडिट ज़्यादा मिल सकता है ज़्यादा यू नो फेमस हो सकते हैं सडन पॉपुलैरिटी मिल सकती है ओके जैसे कहते हैं ना सडनली वायरल होना सडनली नोन हो जाना सडनली रिकोगनीशन मिलना सडनली कहीं चुन लिए जाना ऐसा कुछ हो सकता है या सडनली आपको कोई रिजल्ट पता लगे कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया ये भी हो सकता है ओके तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दीजिए कि ऑलरेडी वो आपकी लाइफ में आ ही गया ऑलरेडी वो आपको मिल ही गया आप उसे डिजर्व करते ही हो वो आपको मिलेगा ही क्यों नहीं मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा और आप उसे कैसे इंजॉय करेंगे कैसे उस चीज़ को कहीं ना कहीं फील करेंगे जब वो आपको मिलेगी तो जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे ऑलरेडी ऐसा फील करना ऐसा एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दीजिए पहले से ही कि जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है और आप खुश हैं उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं और खुश हैं तो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको विजुअलाइज भी कीजिए उसको एक्सपीरियंस भी कीजिए ये मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी ओके तो यहाँ पर ये तो बताया है क्या क्या होने वाला है पर ये भी बताया है कि आपको इन इन बातों का ख्याल रखना है ध्यान रखना है ओके चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए कितने % रेजोनेट करती है कमेंट करके बताइए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में तब तक के लिए बाय बाय फैमिली टेक केयर